हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके, तो आज मैं जो हूँ एक मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हेल्दी भी है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है वो, और उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है कि जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मक्खन, खजूरें, ये मैं मजूल डेट्स जो है आई एम यूजिंग दैट, और मैंने उसके बीज निकाल दिए, बादाम, वॉलनट और पीकान्स, आई लव पीकान्स, बादाम, तो ये ऐसे मोटा मोटा सा कूट के, बिल्कुल पाउडर ही नहीं करना है, एंड पिस्ता, ये पिस्ते हमने इनको भी ऐसे मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। तो ये जस्ट चार चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं, हमारा पैन उस पर रखा हुआ है, और उसमें हम डालेंगे बटर। अब हम इसमें खजूरें डालेंगे और इनको बिल्कुल जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगी उस वक्त तक हम इनको बनाएंगे। मीडियम फ्लेम पे देखें, ये ऐसी हो गई है खजूरें हमारी, इनको हम अच्छे से कर लेंगे, मैश कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसको चॉपर में करके सारी चीज़ें एक साथ चॉपर में डाल के एंड देन दे मेक इट, लेकिन मुझको ये इस तरह से पका के बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस। ओके, अब हम इसमें टाइम टू ऐड ये बादाम, फ्रूट और पीकान इसमें डालेंगे, मिक्स दें। वेरी नीटली अच्छे से इनको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते जो हमने काटे थे, ऑल ऑफ इट। आप देखें कि यू कैन सी एनी बटर, ऑल द बटर एब्जॉर्ब इन द खजूर। जब आप ये खाएंगे तो आपको इसमें मक्खन का, नट्स का रिच मीठा है, बट रिच विद गुडनेस। अब जो बेस्ट पार्ट इसका आने वाला है वो है इसको बनाना, और हमें गरम गरम ही इसको बनाना होता है, ताकि इसकी कोटिंग जो है वो हम गरम गरम में करेंगे तो वो अच्छी होगी। ठीक, तो इसको अब हम ऐसे निकालेंगे, इसको बंद करेंगे और उसकी जल्दी जल्दी ऐसे बॉल्स शेप बना लेंगे, और इसको ये है कोकोनट, उसमें मैं इसको कोट करूँगी। इसको आप और भी वो कर सकते हैं नट्स में, लाइक पिस्ता जो है, पिस्ताशियोज, आप उनको ग्राउंड करके, मेरे ख़त्म हो गए थे ग्राउंड पिस्ताशियोज, आई वाज बीइंग लेजी, तो ये रखा हुआ था मेरे पास कोकोनट, मैंने कहा ओके आई विल डू इट इन कोकोनट, तो इस वजह से मैंने उसमें किया, वरना हम उसमें भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, टू मेक इट लाइक यू नो लुक इवन। तो इस तरह से हम बना के और उनकी ऐसे कोटिंग कर करके रखते जाए।
अगर आप चाहें आपके पास आप कोकोनट वो है लवर है, इफ़ यू वांट टू ऐड कोकोनट इन द कुकिंग टाइम तो आप कर सकते हैं। मुझे इतना नहीं है, कोकोनट मुझे बहुत पसंद है लेकिन मुझे इसके अंदर नहीं अच्छा लगता। आई लाइक कोटिंग ऑफ कोकोनट, तो वो मैं करती हूँ। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट।